हेलो दोस्तों, रजनी के किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लौकी की बर्फी। ये हमने 1 किलो लौकी ली है और इसको हम अब फ्राई करते हैं। इसमें हम पहले डालेंगे देसी घी। एक चमचा घी डाल लेते हैं। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने लौकी कसी है। ये लौकी जो हमने कसी है, इसका पानी हमने कसने के बाद निचोड़ लिया अच्छी तरह। फिर इसमें घी डाला है, देसी घी। अब इस घी, ये गर्म हो गया घी, ठीक है। अब इसमें हम लौकी डालते हैं। आप अच्छी तरह से निकाल लो पानी। जितना पानी निकलेगा उतना अच्छा है। इतनी जल्दी हमारी लौकी गलेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको हम 10-15 मिनट ऐसे ही पकाएंगे जब तक हमारी लौकी सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूंगी। हमारी लौकी को 5 मिनट हो गए भूनते हुए और 5 मिनट अभी और करेंगे इसको भूनेंगे और इतने हम दिखा देते हैं। ये हमने 400 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है और ये 400 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा, एक बराबर, मतलब सेम चीनी और मावा सेम लिया है वजन में। और आप अपने जैसे मीठा खाते हो, कोई कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, किसी को तेज पसंद है मीठा, तो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। हमने तो 1 किलो लौकी की है और 400-400 ग्राम ये दोनों चीज़ें हैं, मावा और चीनी, थोड़ी सी ज़्यादा है बस। ये 4-5 इलायची ली है। अब इसको इसमें डाल के कूटते हैं। अब ये 4-5 इलायची जो हमने साबुत ली थी, इनको कूट के पाउडर बना लिया। अब इसमें डाल देते हैं। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है जब हम खाते हैं। अगर आपको पसंद है तो डालिए, अगर नहीं पसंद तो नहीं डाल सकते, इसकी कर सकते हैं। अब हमारी लौकी अच्छी तरह से, ये देखो, सॉफ्ट होगी बिल्कुल। ये देखो, ऐसे ऐसे देख लो, ये होगी। अब इसमें हम डालते हैं चीनी। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ। मुझे घिया की बर्फी बहुत पसंद है, लौकी की। मैं तो जब भी कुछ होता है बोलती हूँ भैया यही बनानी है बस। पेड़े वगैरह ज़्यादा मुझे पसंद नहीं, मुझे लौकी की बर्फी पसंद है। मैं और गौरव दोनों मिलकर बनाते हैं हम, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है। यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, दिखा देते हैं, भाई मेहनत नहीं, 5 मिनट में लौकी की बर्फी तैयार, ये सब झूठ है। इसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है चीज़ में, वही टेस्टी बनती है। अभी हमने लौकी में चीनी डाल ली है, ये पानी छोड़ देगी सारा और तब तक पकाएंगे तब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए, ऐसे तार ना छोड़ने लगे। जब अच्छी तरह हो जाएगी फिर इसमें हम डालेंगे मावा। हम मावा बोलते हैं, कोई खोआ बोलता है, तो हम वो डाल के आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। ये देखो, छोड़ दिया पानी। ये हमने बादाम लिए हैं, अंदर भी डाल सकते हैं, पर हम इनमें गार्निश करेंगे। अपनी जो बर्फी बनाई है लौकी की, इनके ऊपर डाल देंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसी लगती हैं, खाने में भी टेस्टी लगती हैं। ये देखो, कटिंग हो रही है। अब हमने सारे बादाम कट कर लिए हैं। अभी इन्हें अपने ही लोज देखते हैं, जो हमने रख रखी है कढ़ाई में वो हुई है या नहीं। ये थोड़ा फूड कलर है, ये हम डालेंगे जिससे लौकी का कलर, जो बर्फी बनाएंगे ना लौकी की, उसका कलर अच्छा आए, थोड़ा सा हल्का सा।
भाई आपको पसंद आया तो डाल लो, नहीं तो नहीं। मुझे अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन अच्छी आती है ना, तो इसलिए मैंने डाल दिया थोड़ा सा। अब हमारी ये तैयार है, बस इसमें हम मावा मिलाएंगे नीचे उतार के, फिर हम जमाएंगे। जब ये ऐसे वाइट वाइट दिखने लगे ना बराबर में, तो आप ऊपर ही डाल दो। अब इसमें हम डालते हैं मावा। मावा नीचे भी उतार के डाल सकते हैं, पर हम ऊपर ही डाल देंगे। सारा डाल दो। अच्छे तरह ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करो, इससे सारे में मिल जाएंगे। हम तब तक चलाएंगे इसको जिस तरह ये, मतलब जब तक ये अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए, लौकी और ये मावा मिक्स ना हो जाए, तब तक चलाते रहो। ये गांठ सी है ना, सारी टूट जाएंगी। हमारा मावा पहले ही निकाला हुआ है, घर का ही मावा था, तो अगर आप साथ के साथ मावा निकालते हो तो उसकी गांठ नहीं बनती हैं। रखने के बाद ये ठंडा हो जाता है ना, तो इससे गांठ सी बनने लगती हैं। तो इसलिए पहले तो माइक्रोवेव में या गैस पे भी गर्म कर लो, हल्का सा गर्म करने के बाद डाल दें, ठंडा तो बहुत जम जाता है फिर ये, इसलिए। अब इसमें मावा अच्छी तरह मिक्स हो गया, अब इसको नीचे उतार के गैस बंद कर दें। गैस बंद करके अब इसको हम नीचे उतारेंगे आराम से। इधर रख ले, इधर ले आराम से। हाँ, अब इसमें अच्छी तरह घोटेंगे इसको, जिससे ये जितनी टाइट होगी उतनी अच्छी तरह बर्फी हमारी जमेंगी। हाँ हाँ, कितनी अच्छी आई है ना जमने वाली। थोड़ा घोट और हल्का सा, जितना टाइट होगा ना उतना। अब इसको थोड़ा हम थोड़ी देर रखेंगे जिससे ये ठंडा हो जाए, फिर हम ये हमने थाल लिया है बड़े वाला, इसमें घी लगा के रखा है, इसमें डाल लेंगे। डालने के बाद फिर आपको दिखाएंगे बर्फी काटने के बाद हमारी बर्फी कैसी जमती है, और आपको भी टेस्ट कराएंगे साथ साथ, बताना कैसी लगी है कैसी नहीं। अब इसको हमने 2-3 मिनट घोट लिया, अच्छी तरह से मिक्स हो गई, देखो कितनी अच्छी हुई है। अब इसको हम जमाएंगे। हम 3 जने हैं, हम 3 जनों के लिए बनाई है भाई, जैसे जिसकी फैमिली में जितने मेंबर होते हैं उसके लिए हमने जितना सामान लिया उसके डबल, जितना भी मतलब खाते हो तो बना सकते हो, हमने तो थोड़ी बनाई है अपने लिए, आपको भी चखाएंगे ऐसी बात नहीं, आप ही बताना। अब हमारी देखो ये अच्छी तरह से जम गई है, अब इसमें हम बादाम की जो हमने कटिंग की थी ना बादाम की, उनकी गार्निश करेंगे जिससे अच्छी लगे देखने में, खाने में भी तो अच्छी हो पर देखने में भी अच्छी लगे। अब देखो कड़दीस की गार्निश जब तक ये ठंडी होती है, 10-15 मिनट लगेंगे तब ये ठंडी हो जाएगी, तो हम इसके पीसीस करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। देखो अच्छी लग रही है ना। अब ये ठंडी हो गई है, ठंडी होने के बाद अब इसकी कटिंग करते हैं। इसमें मावा ज्यादा डाल दिया भाई हमने, तो सॉफ्ट हो गया बिल्कुल।
बाबूजी आए बाद में, पहले पूछा लोज बना ली नहीं मैं जलेबी ले आता हूँ। देखो अब निकाल के दिखाती हूँ, ये भी गैस है, निकाल के दिखाती हूँ, सॉफ्ट हो गई है बहुत। देखो सॉफ्ट हो रही भाई, इसमें मावा ज़्यादा डल गया। हमारी लौकी की बर्फी तैयार हो गई है, ये देखो मैं आपको एक पीस उठा के, सॉफ्ट बनी है बिल्कुल, ये देखो ठीक है। अगर आप टेस्ट करके बताओ, हाँ टेस्ट करके बताऊं मस्त एक नंबर बनी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो की एंडिंग करती हूँ, बाय बाय।